मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं हूं समय प्रधान कृष्ण पाल जी के साथ ग्राम काठा विकासखंड खेकड़ा डिस्ट्रिक्ट बागपत से। आज हम बात करेंगे उन विकास के कार्यों की जिनकी अपेक्षाएं गांव वालों को प्रधान जी से है और जिसके बलबूते पर प्रधान जी को चुना गया है, हमारे कृष्ण पाल जी को। अब ये उनकी अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरते हैं, इनके दिमाग में गांव के विकास को लेकर क्या क्या प्लानिंग है, क्या चल रहा है, सारी बातें प्रधान जी से करेंगे। चलिए पहले उनका परिचय ले लेते हैं। सर आपका नाम? कृष्ण पाल जी। गांव का नाम? काठा। गांव काठा डिस्ट्रिक्ट बागपत। सर हाँ, पहले से कोई राजनीतिक करियर रहा है या पहली बार आपने चुनाव लड़ा? नहीं, मैं पहली बार क्षेत्र पंचायत रहा, इससे पिछली योजना। क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे आप जी, तो यानी कि राजनीति से जुड़े हुए आप पहले से जी। तो सर गांव वालों ने आपके द्वार प्रधान चुन लिया जी, आप उसके पीछे वजह क्या मानते हैं, मेन वजह क्या है? गांव वालों का बड़ा ही मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा जी। सबसे पहले उन्होंने मेरी अंदर ये देखा कि भाई ईमानदारी यानी ईमानदारी को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है आपकी। दूसरे उन्होंने मैं जो काम कराए अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य के तौर पर, अच्छा उसको क्योंकि गांव में 18 ट्यूबलाइट लाया सौर ऊर्जा वाली जी, कुछ ब्लॉक की तरफ से मैं खड़ुंजे लाया जी, कुछ पेंशन वृद्धा पेंशन जैसे कि भाई 60 साल से ऊपर है, कुछ विधवा है, कुछ विकलांग है जी, तो मैं करीब 77 पेंशन करवाई थी। अच्छा अच्छी चली उसमें बिल्कुल किसी के उसके कहने का मीन्स ये है कि जो विकास के कार्य आपने किए थे जी, तो उनको आधार मानकर जनता ने चुन लिया जी कि इस ईमानदार आदमी को हमें चुनना चाहिए, गांव के विकास को गति देगा, आगे लेकर जाएगा। कहने का मतलब ये है प्रधान जी आपका जी। सर बहुत बढ़िया है। अब जब गांव वालों ने चुन लिया है सर आपको जी, अब 5 साल के लिए ये गांव आपका हो गया जी, सब आपके बच्चे हैं, ठीक है, आप अभिभावक हो गया ऐसे मान लीजिए। एक मुखिया मतलब अब जिस घर का मुखिया होता है सर, अब उस घर को संभालना आपकी जिम्मेदारी है, ये घर आपका है काठे का। सबसे पहले आप किस विकास के मुद्दे को या किस काम को प्राथमिकता देना चाहते हैं कि सबसे जरूरी काम गांव में ये सबसे पहले मुझे करना चाहिए? सबसे पहले गांव में स्वास्थ्य संबंधी जो कार्य है, अच्छा स्वास्थ्य जहां स्वास्थ्य है वहां सब कुछ। बिल्कुल है सर, उसके रिगार्डिंग क्या आप करना चाह रहे हैं अभी? जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की एक छोटी सी वो है, अच्छा कोई डॉक्टर की नहीं, 8,000 लगभग वोट है हमारे गाँव। अच्छा जी, तो एक आंगनबाड़ी या कोई ANM बैठती है जी, बाकी कोई डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं, डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है 8,000 जनसंख्या पर जी, जनसंख्या नहीं वोट पर, वोट है तो जनसंख्या तो ज्यादा होगी फिर। तो सर कोई छोटा सा डिस्पेंसरी है इसका मतलब गांव में तो है, वो तो है। लेकिन वो सुचारू रूप से चालू नहीं है, बस अब बैठने शुरू हुए, अब तो आप बन गए ना, टीकाकरण वगैरह उस पर होता है बाकी डॉक्टर नहीं बैठते, डॉक्टर कोई नहीं। तो क्या मैं समझूं आपके कार्यकाल में डॉक्टर बैठेगा? जी मैं यही रखता हूँ जी, उम्मीद है कि भाई मेरे इस कार्यकाल में डॉक्टर बैठेगा, गांव वालों को चिकित्सा की सुविधा मिलेगी जी, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा जी, इमरजेंसी में डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध होगा। ठीक है सर, शिक्षा को लेकर आपका क्या कदम है? शिक्षा एक स्वास्थ्य के बाद में बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी चीज है सर। शिक्षा में अब 2 साल से हम बच्चे हमारे पिछड़े। बिल्कुल सर, वो तो एक महामारी है अब भी। मैं ये स्कूल में हमारे जैसे बच्चे नहीं जाते जी, 15-20 बच्चों को एक जो फिर रहे हैं, इंटर है, MA है, BA है, मैं सोच रहा हूँ कि उनको ये 20 बच्चों का ग्रुप बनाए, उनको शिक्षा दें, अच्छा, कहीं मंदिर में, कहीं चौपाल में या स्कूल में, ऐसा वो ऐसा आप सोच रहे कि प्लान चल रही है, प्लान चल रही है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई तो आप अपनी तरफ से शिक्षा का शुरू करवा दे। सर बहुत अच्छी सोच है आपकी। वैसे सरकारी स्कूल कौन सी क्लास तक है यहाँ पर? वैसे तुम्हारे यहाँ 10वीं तक है। अच्छा, आपकी कोशिश होगी उसे 12वीं तक करवा लिया जाए? 12वीं तक पूरी कोशिश होगी इस बार? बिल्कुल। तो जनता को ये भरोसा दिला रहे आप कि आप उसे 12वीं तक कराएंगे? चलिए सर बहुत अच्छी बात है। गाँव में कोई पुस्तकालय नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई नहीं, तो मेरा विचार है कि इसमें एक
लाइब्रेरी के काम में, लाइब्रेरी हो तो उसकी तरफ भी आपका कदम है, बहुत अच्छी। मैं सर इस बार एक बात देख रहा हूँ कृष्णपाल जी कि अधिकतर प्रधान लाइब्रेरी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बड़ा जोर दे रहे हैं और ये होना भी चाहिए, जो बहुत जरूरी मूलभूत सुविधाएं है। तो लाइब्रेरी अभी तक नहीं थी, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, आपके कार्यकाल में बन जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा, हमारे यहाँ कोई खेल का स्थान नहीं, खेल का, मेरा यही सवाल था, खेल का स्थान नहीं है। LMC कितनी है यहाँ पर? देखो ये तो यही लोग बताएंगे, गवर्नमेंट जो पटवारी है, लेखपाल है हमारे। आपकी निगाह में नहीं है? नहीं, निगाह में तो मेरी निगाह से कुछ है, जब तक वे मुझे वो नहीं देंगे। अच्छा, मैं कहूँ कि भाई ये है पर लेखपाल हमें कहे ये नहीं है तो नहीं। अच्छा प्रधान जी, मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने पीछे वाला गांव किया है अभी, तो मैंने वहाँ भी देखा है LMC की जमीन कुछ लोगों ने दबा रखी है। जैसे पिछले गांव में ही मवी में, मवी कला गांव है, तो वहाँ भी एक तालाब है, उसकी जमीन भी कुछ लोगों ने दबा रखी है, जैसा कहना है वहाँ की जनता का, वहाँ के प्रधान का। नहीं, ये है, सच है, सच है ना? बिल्कुल जी, जी बिल्कुल। क्या आपके गांव में भी ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल सच है, हमारे गांव में भी 6 तालाब है जी, 6 तालाब है जी। जो उनका क्षेत्रफल है उसके हिसाब से भी इस टाइम पे आधे रह गए। तो आपका क्या कदम होगा उनको बचाने के लिए? भाई सबसे पहले तो उनकी साफ सफाई बचाने की तो बात की बात। चलिए, इतना गंध उनमें है जी, इतना गंध है कि बीमारी तो पहले की सेंटर बना हुआ है, सेंटर है वो, बीमारी का सेंटर बन गया। मच्छर है, मक्खी है, कीटाणु है, दुनिया भर का। तो आपका पहला कदम उसकी सफाई होगा? सफाई जी जी। उसके बाद उसका बाउंड्री नवीनीकरण, सौंदर्यकरण ये होगा, तो मैं समझू आपके कार्यकाल में हो जाएगा? मैं यही करता हूँ, कोशिश की मेरे कार्यकाल में नहीं जी, ये तो मैं अगले साल तक फाइनल, अगले साल तक। काठा निवासियों से प्रधान जी ये विश्वास दिला रहे हैं कि जो तालाब है उनमें सफाई की जाएगी पूरी तरह से, उसका नवीनीकरण होगा, उसका सौंदर्यकरण होगा, ताकि उसका कोई कटाव ना कर सके आगे से जी। जो आपके तालाब है वो एज इट इज ऐसे ही रहे, ये प्रधान जी पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि आपके गांव में तालाब की स्थिति जो है वो बेटर हो जाए। तो निकासी की अभी कैसी सुविधा है? नहीं, निकासी की तो हमारे तालाब जमुना में चला जाता था, जमुना में चला जाता है तालाब, इससे कोई और कोई वो नहीं है। नालियों की साफ सफाई वगैरह कैसी कंडीशन रही है वो? अब तो अभी तक मैंने 2 मई के बाद पूरे गांव में लगा नंगला बहलोलपुर भी जी, दोनों गांव में नंगला बहलोलपुर भी आपके अंडर में आता है, हम गए थे वहां पर, सबकी नाली झाड़ू सब कुछ मैंने एक बार क्लियर करवाया, क्लियर करा गया। तो मैं ये समझू कि ये जो क्लियर आपने करा है, क्या ये 5 साल सफाई चलती रहेगी या अभी हुई है सर? नहीं, चलती तो रहेगी जी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें सफाई कर्मचारी मिला, कितना मिला? 1-2? एक भी नहीं मानता मैं तो, जब मैंने आज तक नहीं देखा पिछले 5 साल में। अच्छा, ना नंगला बैलूपुर में देखा ना मैंने काट, एक तो मिला होगा, वो काम नहीं करता होगा इसका, कुछ भी हो मैंने आज तक अपनी नजरों से कहीं नहीं देखा। तो अब आप गवर्नमेंट से मतलब क्या चाहेंगे? कि मैं कम से कम 2 सफाई कर्मचारी, 2 तो मिलने चाहिए। अभी तक कोई कदम उठा है कि अभी उठाएंगे आगे? नहीं, अभी तो मेरी बात है अपने जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे ही हुई है। अच्छा, BDO लेवल पे मैं नहीं गया, SDM लेवल पे मैं अभी तक नहीं गया। अच्छा अच्छा, मतलब 2 सफाई कर आपको चाहिए? 2 मुझे यहाँ चाहिए, 1 मेरा नंगला बहलोल। किशनपाल प्रधान जी का प्रशासन से अपील है कि इस ग्राम में यहाँ पर 8,000 की वोटिंग है जी, 8,000 की तो वोटिंग है, जनसंख्या ज्यादा होगी, यहाँ पर अभी तक कोई भी सफाई कर्मी नहीं देखा गया है, अगर सरकार की तरफ से वो सफाई कर्मी है तो वो कहाँ पर है फिर? बिल्कुल, वो आना चाहिए, क्योंकि सफाई नहीं होगी तो गंदगी फैलेगी, गंदगी फैलेगी तो बीमारी फैलेगी, और ये हमारी इस तरह से फैलती रहती है। तो मेरी प्रशासन से अपील है, तो प्लीज इन लोगों पर थोड़ी सख्ती की जाए, प्रधानों का साथ दिया जाए, जो विकास कार्य करना चाह रहे कम से कम उनका साथ तो दे। बिल्कुल सही कह रहे प्रधान जी, 2 सफाई कर्मी चाहते हैं यहाँ पर, ये ग्राम काठा है, विकासखंड खेगा, डिस्ट्रिक्ट बागपत, UP से, मैं अतिरिक्त न्यूज से राज बोल रहा हूँ जी। तो हमने अपील की है प्रशासन से, देखे आगे क्या होता है। सर पेंशन को लेकर क्या व्यवस्था है, कितनी पेंशन अभी मिल रही है, कितनों को नहीं मिल रही है?
ये अभी मैं पेंशन कार्य देख रहा था। अच्छा, पेंशन कार्य देख रहे थे आप। अब यहाँ 165 पेंशन है अभी जो है, उसमें विधवा, विकलांग, वृद्ध सभी आ गए जो मेरे पास लिस्ट आई। लिस्ट है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जी, हमारे 90% इसमें जो पेंशन चाहिए जिन लोगों को जी, ये मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से भी, भाई हमारे गांव में जी इतनी बड़ी आबादी होने के कारण पेंशन ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, यानी जो पात्र है उन्हें मिलनी चाहिए, जो उसके पात्र है उसको मिलनी चाहिए। आपकी तरफ से पूरी कोशिश होगी? पूरी कोशिश रहेगी। ग्राम काठा वासियों के निवासियों से अपील है कि जो पात्र है वो आकर इनसे मिले, जिनकी पेंशन नहीं बनी है ये पूरी कोशिश करेंगे उनकी पेंशन बनवाने की। जी सर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह। तो आप आकर इनसे मिल सकते हैं, पेंशन आपकी बनवाएंगे और उसे दिलवाएंगे भी जो उसके पात्र होंगे। सर, शमशान वगैरह है या यमुना पे? हमारे यहाँ कोई शमशान नहीं है। जरूरत है? जरूरत है। देखो अब गर्मी है, सर्दी में तो चल जाता है जी, लेकिन बारिश में ये परेशानी होती है कि बारिश हो रही है, कोई किसी की डेथ हो, ले जाना पड़े तो वहाँ दिक्कत है। तो क्या कोशिश होगी गांव में कोई शमशान घाट बना जाए? हाँ, मेरी कोशिश रहेगी, ज़्यादा नहीं है, छोटा बन जाए। है गांव में जमीन है इसके लिए? जमीन नहीं है तो जमुना के किनारे हम बना सकते हैं। वहीं बना सकते हैं, तो मतलब कोशिश करेंगे कि एक शमशान घाट बनाया जाए। मेरी कल लोगों से बात भी थी इस विषय में। अच्छा, कि भाई कोई जमीन दो। हाँ, तो हम वो थोड़ा ऊपर वहाँ पर कोई पानी की भी सुविधा हो, एक नल लगे और दो बैठने की सीट हो, उस पर कम से कम शेडिंग वगैरह हो, वहाँ तक के जाने का रास्ता ठीक हो, इतना तो सब चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये तो चाहिए चाहिए, ये मूलभूत सुविधा है, बहुत जरूरी है। सर, गांव में शमशानों की स्थिति बहुत खराब है, हम तो कई सौ गांव में घूम चुके हैं जी, आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं, जो अब तक जो इतनी स्थिति खराब क्यों रही है? नहीं, इसकी वजह यही है कि लोगों ने रास्ता तो कवर कर लिया। हाँ जी, जहाँ इधर खेत वाले ने इधर कर लिया, इधर वाले ने इधर कर लिया, तो एक रास्ता तो एक तरह से खत्म। लेकिन ये तो उनकी भी परेशानी है कि उन्हें भी तो जाना है ना उस रास्ते से, वहाँ तो सबको जाना है सर, वहाँ से कोई नहीं बच सकता। इस चीज को कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। बताओ, वो तो है भाई, ठीक है, मेरे को तो दो गज जमीन फालतू मिल रही है, मैं बोलूंगा। बाकी की सुविधा से कोई लेन देन उनका नहीं है। मेरा जो रास्ता है जमुना पे जाने का, जी करीब 8x32, एक गट्ठे में 8 फुट होते हैं जी जी, और 4 गट्ठी चौड़ा होगा, 32 फुट होगा मेरे साहब जी जी जी, तो इतना रास्ता है, वो तो 16 फुट भी नहीं होगा। तो वो मतलब उसकी दिक्कत आ रही है, तो वो आप कोशिश करेंगे तो वो ठीक हो सकता है? नहीं, हो सकता है, वो प्रशासन की सहायता से, प्रशासन की सहायता, हमारे पटवारी, तहसीलदार, SDM साहब, उनकी सहायता से हो सकता है। हाँ, सफाई की बात है, उसे मैं करवा दूंगा। चलिए, देखिए प्रधान जी ने वादा कर लिया है हमसे भी, आपसे भी, सफाई पे पूरा ध्यान होगा, शमशान घाट बनवाया जाएगा, खेल के मैदान की पूरी कोशिश की जाएगी, लाइब्रेरी के लिए सर कह ही रहे हैं वो होगा, और बाकी खड़ंजे अगर सड़कें कुछ खराब है तो उनकी मरम्मत भी की जाएगी। इनके सभी कार्य, लाइट की व्यवस्था पूरी है अभी? नहीं, करानी पड़ेगी, करानी पड़ेगी, अभी वो भी गड़बड़ी है। हाँ, वो भी होगी इसमें, लाइट की व्यवस्था भी पूरी हो जाएगी। सब बातें नोट कर लेना आप, प्रधान जो आपसे वादे कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये पूरा करेंगे, नहीं तो हम 6 महीने साल भर बाद फिर आकर एक बार गाँव के हालात देखेंगे कि जो वादे आज हमारे प्रधान जी कर रहे हैं, जिन्हें आपने इतने प्यार से चुना है, अब वो आपको कितना प्यार देते हैं, आपको कितना ध्यान रखते हैं, अब ये उनका दायित्व है। तब तक के लिए हमें करना होगा इंतजार, बातें हमें बहुत अच्छी लगी है, लेकिन ये अच्छियों की शुरुआत कब होगी और ये पूर्ण रूप से अच्छी कब हो जाएगी और अच्छे दिन कब आएंगे, इसका हमें भी इंतजार करना होगा। तो मैं 6-7 महीने बाद आपसे फिर मिलूंगा। मैं ग्राम काठा से, आज तक न्यूज़ से राज, और कैमरे पर है हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज। दोस्तों, मैं हूं समय ग्राम काठा के ग्राम पंचायत दफ्तर का, अब मैं आपको स्थिति दिखाऊंगा कि यहां अब तक जो ग्राम पंचायत था वो कैसा था, कैसी यहां पर मीटिंग होती थी, प्रधान जी कहां बैठते थे, क्या सुविधा थी। एक बार हमारी कैमरामैन आपको पहले तो गेट की स्थिति दिखाई, दिखा दो गेट की, दिखाओ गेट कितना अच्छा है। अब इधर आ जाइए, अब ये रास्ते पे हम चलते हैं कि कहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं,
अभी एंट्री भी दिखाएंगे आपको। चलिए यहाँ से अंदर जा सकते हैं, ये दीवार टूटी हुई है, चलिए अंदर से भी दिखाते हैं। ये अंदर से आप ग्राम पंचायत का दफ्तर देख रहे हैं दोस्तों, अभी तक इसकी ये पोजीशन है। और यहाँ की बिल्डिंग देखिए एक बार जरा कि बिल्डिंग कितनी माशाल्लाह है। तो यहाँ पर पेड़ पौधे खड़े हैं, ये खेत बन चुका है। अब यहाँ पर ये खेत बन चुका है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर जरा स्थिति दिखाओ एक बार, तो आपने देखी अभी यहाँ की स्थिति। अब जो नव निर्वाचित प्रधान है किशन पाल जी, अब वो इसकी क्या सुध लेते हैं, क्या इसका नव निर्माण होगा, क्या ये दुरुस्त होगी, क्या यहाँ पर प्रधान जी बैठ सकेंगे, क्या यहाँ पर आगे मीटिंग हो सकेगी, हम 6 महीने बाद आकर फिर देखेंगे कि इस ग्राम पंचायत ऑफिस की क्या कंडीशन है, इसका नव निर्माण हुआ है या बेचारा उसी कंडीशन में है। तब तक के लिए हमें करना होगा इंतजार और हम लेते हैं आपसे इजाजत। ये देखिए नालिया, बोला बोल तो। देखिए दोस्तों ये है गांव का तालाब, यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं, कूड़ों के ढेर देख रहे हैं, गंदगी देख रहे हैं, इतनी बदतर स्थिति में है यहाँ का तालाब। अब इसके भी नवीनीकरण की बात हुई है, अब नवीनीकरण होगा नहीं होगा, होगा कितना होगा, ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। अभी हमारी कैमरामैन ने आपको यहाँ की स्थिति दिखाई है, तो ग्राम पंचायत आपने देख लिया, तालाब देख लिया, गंदगी भी आप देख रहे हैं। अब आगे वाला प्रधान क्या करेगा, क्या यहाँ की दशा बदलेगी या ऐसी ही रहेगी, ये वक्त बताएगा, हमें भी वक्त का इंतजार करना होगा।